दार्शनिकों की दुनिया में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक महान दार्शनिक और न्यायशास्त्री जेरेमी बेंथम के बारे में, जिन्होंने उपयोगितावाद की नींव रखी। उनका मानना था कि समाज में सबसे अच्छा वही है जो सबसे अधिक लोगों को सबसे ज्यादा खुशी दे। बेंथम की यह सोच सिर्फ एक दार्शनिक विचारधारा नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसके आधार पर न्याय, कानून और सरकार की नई परिभाषा दी। तो चलिए आज हम बेंथम के जीवन और उनके विचारों को बहुत सरल भाषा में समझते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि बेंथम के समय में दुनिया कैसी थी, उनके विचार किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विकसित हुए। तो चलिए अपन बेंथम के जीवन को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, उनका जन्म वगैरह। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, और उस समय इंग्लैंड में क्या था, जो यूरोपियन, आपने देखा होगा यूरोपियन एरा, उसमें प्रबोधन काल, अनलाइनमेंट से गुजरा था पूरा यूरोप। उस समय उनका जन्म हुआ था। यह वो समय था जब तर्क, विज्ञान और स्वतंत्रता की नई सोच ने परंपरागत धार्मिक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को चुनौती देना शुरू किया था। तर्क और विज्ञान को अब सर्वोच्च माना जा रहा था। बेंथम ने इस विचारधारा को अपनाया और इसे समाज के लिए जरूरी समझा। और इसके बाद उनके जन्म से पहले इंग्लैंड में, आपने नाम सुना होगा, इंग्लिश रिवॉल्यूशन, अंग्रेजी क्रांति, और वहां पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो चुका था इंग्लैंड में। लेकिन फिर भी समाज में कई अन्याय और असमानताएं थी। गरीब, महिलाएं और वंचित वर्गों को अधिकार नहीं मिले हुए थे, और बेंथम ने समाज के इस असमान ढांचे को देखा और इसे सुधारने की दिशा में अपने विचार विकसित किए। उन्होंने कहा कि समाज का हर कानून और नियम ऐसा होना चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों की भलाई और खुशी के लिए हो। इसके साथ ही बेंथम ने औद्योगिक क्रांति के बढ़ते प्रभाव को भी देखा। इसमें आर्थिक समृद्धि तो बढ़ी, लेकिन साथ ही अमीरी गरीबी का अंतर भी बढ़ा दिया। ऐसे में बेंथम उपयोगितावाद, जो बेंथम का जो उपयोगितावाद था, इसी असमानता के खिलाफ था। और उनका मानना था कि नीतियों और कानूनों का उद्देश्य हर वर्ग को समान रूप से लाभ पहुंचाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं बेंथम वास्तव में थे कौन। मतलब अब बात करते कि जेरेमी बेंथम थे कौन। बेंथम बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। वे छोटी सी उम्र में लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाएं सीख चुके थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन उनके विचार परंपरागत कानून से बिल्कुल अलग थे। बेंथम का मानना था कि किसी भी नीति या कानून की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे कितने लोगों को खुशी मिलती है। उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत आपने अवश्य सुना होगा, उपयोगितावाद का सिद्धांत। तो उन्होंने इसी आधार पर यह उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था। अब समझते हैं कि उपयोगितावाद क्या है, मतलब जो उन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था वो क्या है। बेंथम का मानना था कि समाज में हर कार्य का उद्देश्य लोगों की खुशी होनी चाहिए। कोई भी निर्णय तभी सही माना जाएगा जब वह अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी दे। उन्होंने कहा कि हमें हर फैसले का मूल्यांकन इस आधार पर करना चाहिए कि उससे कितने लोगों को फायदा होगा और उनका दुख कम होगा। मतलब कि लोगों को, जितने लोगों को ज्यादा खुशी होगी, उसी आधार पर उन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया कि बस सब लोगों को खुशी रखना चाहिए, दुख नाम मात्र का नहीं होना चाहिए। उनका एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था, उसका नाम था हैप्पीनेस कैलकुलस। इसमें बेंथम ने बताया कि खुशी और दुख को तर्क और गणना के आधार पर मापा जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी काम से मिलने वाली खुशी की तीव्रता, उसकी अवधि और उसका असर कितने लोगों पर पड़ेगा, इन सब को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जा सकता है। तो उन्होंने हैप्पीनेस कैलकुलस का ये सिद्धांत दिया। फिर उन्होंने कहा कि बेंथम का जो उपयोगितावाद सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, देखो उसमें, बल्कि उन्होंने इसे समाज के हर वर्ग के लिए लागू किया। उनके अनुसार समाज का हर नियम और कानून ऐसा होना चाहिए जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी मिले। तो उन्होंने अधिकतम लोगों के अधिकतम खुशी के लिए यह सिद्धांत दिया था, उपयोगितावाद का सिद्धांत। अब बात करते हैं अपन कि बेंथम का जो विचार था कानून और सजा पर क्या विचार था। उन्होंने सजा के लिए और कानून के लिए क्या कहा। बेंथम का मानना था कि कानून का उद्देश्य अपराधियों को सजा देना नहीं, बल्कि समाज में अपराध को रोकना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज का उद्देश्य अपराधियों को सुधारना होना चाहिए ताकि वह दोबारा अपराध न कर सके। तो और सजा इतनी कठोर भी नहीं होनी चाहिए कि समाज में डर का माहौल बने। ये उनके विचार थे कानून और सजा पर। अब हम बात करेंगे बेंथम के लोकतंत्र और मानव अधिकारों पर क्या विचार थे। देखिए, लोकतंत्र के लिए उन्होंने क्या कहा। तो बेंथम का मानना था कि लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि यह जनता की इच्छाओं
और जरूरतों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम जनता की सेवा करना है और समाज में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने महिलाओं, गरीबों और वंचित वर्गों के अधिकारों की भी आवाज उठाई। बेंथम का मानना था कि कानून और नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो हर इंसान को समान रूप से खुशी दे। उनका यह विचार आज के मानव अधिकारों की नींव भी बनता है। अब अपन ने बहुत सारे उनके विचारों को देख लिया, अब उनके विचारों के जो प्रभाव को देख लेते हैं। उनके विचारों का दुनिया पर क्या असर पड़ा? बेंथम के उपयोगितावाद ने न्याय, कानून और समाजशास्त्र में एक नई दिशा दिखाई। उनके विचारों में ने कानून और नीति निर्माण में सुधार की लहर पैदा की। उनके शिष्य, आपने नाम सुना होगा, एक JS मिल, देखो JS मिल उनके शिष्य थे, बेंथम के शिष्य थे, याद रखना आपको अच्छी तरीके से, ने बेंथम के विचारों को आगे बढ़ाया और उन्हें विकसित किया। JS मिल ने फिर जैसे ही बेंथम ने जितने विचार दिए उसको आगे बढ़ाने का काम JS मिल मतलब जॉन स्ट्रुअल मिल, उसने आगे बढ़ाने की उनके विचारों को आगे बढ़ाया और विकसित किया। बेंथम के सिद्धांतों का असर न केवल इंग्लैंड बल्कि पूरी दुनिया पर भी पड़ा। उनकी सोच ने न केवल न्याय कानून में बल्कि राजनीति और अर्थशास्त्र और समाज में भी गहरा प्रभाव छोड़ा। तो इनके शिष्यों ने भी उनका बहुत नाम रोशन किया, आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा। अपन आगे एक वीडियो में जेएस मिल के बारे में भी पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें भी जेएस मिल की विचारधारा को भी देखेंगे। तो दोस्तों, यह था जेरेमी बेंथम और उनकी उपयोगितावाद की विचारधारा का एक सरल परिचय। बेंथम ने हमें सिखाया कि समाज में हर काम और कानून का उद्देश्य अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी होनी चाहिए। उन्होंने कानून, सजा और अधिकारों पर अपने विचारों से समाज को नई दिशा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आप और किन विषयों पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।